अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हबीब डार। आप देख रहे हैं फूड रेंज विद हबीब डार के साथ। आज मैं आपको एक कॉफ़ी शॉप पे विज़िट करवाने के लिए लेके आया हूँ। ये कॉफ़ी शॉप बड़ी ही नायाब है। नायाब इसलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे कैट्स हैं। कैट्स, आप जब यहाँ पे बैठते हैं आपके इर्द गिर्द कैट्स ऐसे मंडलाती हैं, चहलकदमी करती हैं, आपको मज़ा आ जाता है। बड़ी ही नायाब सी कैट्स हैं, आम सी कैट्स नहीं है। जो लोग कैट्स को लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, उनके लिए आज की वीडियो बड़ी ही नायाब होने वाली है। चलिए मेरे साथ रहिए, आपको देखने को मिलेगी एक अमेजिंग सी कॉफ़ी शॉप। स्टे विद मी। यहाँ पे आपको हर दुनिया के हर मुल्क के लोग विज़िट करने आए हैं। वो अपने अपने सिग्नेचर्स और कुछ अपनी याददाश्त यहाँ पे लिख के गए हैं। ये देखिए, कुछ लोग अपने मुल्क की करेंसी यहाँ पे अटैच करके गए हैं याददाश्त के लिए। अंदर जाने से पहले हमें अपने शूज़ उतारने पड़ेंगे। शूज़ उतारने के बाद यहाँ पे रैकर्स हैं, रैकर्स में शूज़ अपने रखेंगे। हैंड वॉश करने पड़ेंगे और अंदर दाखिल होते हैं। अंदर से अभी हम लोग अपनी सीट्स पे आके बैठ चुके हैं। अभी आपको मैं विजिट करता हूँ, ओवरऑल शॉप्स दिखाता हूँ, ओवरऑल शॉप कैसी है दिखने में और इनका इंटीरियर डेकोरेशन जो है कैसी खूबसूरती के साथ इन्होंने सजाया है, दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ऑर्डर करते हैं। मेन्यू भी बड़ा खूबसूरत सा बनाया इन्होंने, बड़ा क्यूट सा। देखिए
मेन्यू जब आप लोग पकड़ते हैं, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है कि आप कैट्स के साथ कैसे बिहेव कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप, इधर लिखा हुआ है डू नॉट फीड द कैट्स। सेकंड में है जी डोंट डिस्टर्ब स्लीपिंग कैट्स। एंड थर्ड में है ब्रशिंग एंड पेटिंग द कैट्स विल मेक देम हैप्पी। ब्रश कर सकते हैं आप कैट्स को, ये उनको स्लीपी मोमेंट में लेके जाते हैं। और इसके साथ ये देखिए आपने लिखा है डोंट पुल द कैट्स टेल एंड ओनली प्ले विद द टीम जेंटली। जेंटली प्ले कैसे करते हैं ये मुझे इसका पता नहीं है। तो देखिए इधर इंस्ट्रक्शन में उन्होंने लिखा है ये ऐसे खींच नहीं सकते आपको, बड़ी ऐसे भी कैट्स को खींच के, जैसे हम लोग कहते हैं बच्चों को जैसे खींचते हैं डॉल्स के ऊपर, चीक्स के ऊपर, ऐसे नहीं आप लोग कर सकते। इसके बाद इसको ओपन करेंगे तो इसमें मेन्यू आ जाता है जी। ये डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स, ओहो ये थाई डेजर्ट्स हैं, केक्स हैं। और इसके साथ जनाब ये भी है, ये भी थाई डेजर्ट्स हैं, केक्स हैं, ये हम लोग खा सकते हैं। और हमें चूज़ करना पड़ेगा मेन्यू कौन सा हम लोग खा सकते हैं कौन सा नहीं खा सकते। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज आ जाते हैं जी, फ्रेंच फ्राइज के साथ सब स्नैक्स आ जाते हैं, स्वीट्स आ जाते हैं, ये भी हम लोग खा सकते हैं। और इसके साथ जनाब ये आ गया जी, इसमें चीज़ केक आ जाता है जी, हैम, पास्ता, क्रीम सॉस। हैम जो है ज़्यादातर पॉर्क इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं हम लोग खा सकते। नेक्स्ट चेक करते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें जी, ये है जी स्पेगेटी आ गया जी, बेस्ट सेलर लिखा है जी, बेस्ट सेलर। लेकिन ये हम लोग खा नहीं सकते, एबिको कैबोराना इसमें पॉर्क इस्तेमाल किया जाता है, ये भी नहीं हम लोग खा सकते। चलिए जी नेक्स्ट चेक करते हैं जी, बीफ, ये बीफ का मेन्यू जो है ये लोग हम लोग खा सकते हैं। इसे ट्राई करेंगे और कुछ डेजर्ट ऑर्डर करेंगे। चलिए कुछ ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट है यहाँ की शॉप का। My name is Om, and I'm the owner of Cat Today Cat Cafe. I was opened this shop 7 years ago. 7 years yes. ago. Yes. So how you get this idea? Do you like cat or just start a business? Yeah, actually I love cats, and also I got one cat and we post him on Facebook and Instagram, and he become popular and someone want to see him and meet him, and we get the idea because of cat shop. We have 50 cats. 50 yeah. cats. Yeah, so but some of them stay at home, some of them stay here. Actually, when we open the shop, we leave them 30 to 35 cats. British Shorthair, Bengal, Maine Coon, Munchkin, American Shorthair. ऑर्डर हमारा आ चुका है जी, ये देख रहे हैं आप, मैंने ऑर्डर किया था चॉकलेट केक, डार्क चॉकलेट केक। और इसकी प्रेजेंटेशन देखें, बड़ी ही क्यूट सी और ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये साइड पे ये देखिए, ओहो और ये मैंने ऑर्डर किया था बीफ, बीफ है, बीफ के नीचे जैपनीज राइस है और ऊपर ये जनाब कैपस्ट्रिक डाली हुई है, कैपस्ट्रिक ये, और इसमें अंडा है, अंडा रेड कलर के, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसमें अंडा डाला गया है। टेस्ट करते हैं, ये बॉयल रेड एग है, इसको डाला गया है, धुआं इसमें से अभी भी आ रहा है, बड़ा गर्म है, ये देखें धुआं निकल रहा है। और ये कैपस्ट्रिक है, ये कैपस्ट्रिक को डाला गया है, राइस जैपनीज राइस है, ये देखिए
जैपनीज बॉयल्ड राइस है, इसमें किसी चीज़ को भी मिक्स नहीं किया गया, ओरिजिनल फ्लेवर है राइस का। और इसकी बाइट एक चेक करते हैं, बीफ का एक पीस लेते हैं, राइस के ऊपर डालेंगे। और जनाब ये कैप स्टिक, इसको और थोड़ा सा जनाब इसमें रेड एग मिक्स करेंगे सारी चीज़ों की एक बाइट बना के ऐसे। मज़ेदार चीज़ है लेकिन स्पाइसी नहीं है। जैसा हमारा पाकिस्तानी इंडियंस टेक्सचर होता है वैसी चीज़ नहीं है। शायद आप खाएं ऐसे जैपनीज़ फूड को आपको लगे बकबका सा है, जिसका मतलब है इसमें कुछ भी ऐसी स्पाइस नहीं डाली जाती जिससे आपके मुंह को जायका ऐसा लगे तो यार बड़ा मज़ेदार है। लेकिन इसकी हर चीज़ का तीन चार चीज़ें हैं, उसका टेक्सचर आपको अलग-अलग आपके माउथ में जाएगा। जैसे राइस है, बिल्कुल सॉफ्टी से राइस है, छोटे छोटे से दाने हैं राइस के, छोटे छोटे से, बड़े लंबे से दाने नहीं हैं। और जो बीफ है, बीफ में थोड़ा सा साल्ट है और स्टिकी है। फ्राई बीफ है, उसके ऊपर सेसमी भी डाला जाता है जनाब। एग का टेक्सचर उसके साथ जब मिक्स होता है, कैपस्टिक बड़ी ही नरम सी चीज़ है, आप खाएंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मलाई खा रहे हैं। ये भी खाने के लिए आई है कैट, देखें। ओहो, कैट खाने, ये देखें, ये भी खाना खाने के लिए आई है मेरे साथ। एक और बाइट चेक करते हैं। अब टेस्ट करते हैं चॉकलेट केक का, लेते हैं वाइट, इसको नहीं टच करेंगे इस एरिए को। ये भी चॉकलेट, वाइट चॉकलेट के साथ इन्होंने ड्राइंग की है कैट्स की, इसको टच नहीं करेंगे, ठीक है। ये टेस्ट करते हैं, इसका एक वाइट लेते हैं, देखते हैं खाने में कैसा है। केक नहीं खा रहे, आप चॉकलेट खा रहे हैं, इतनी डार्क चॉकलेट फुली लोडेड है। ये ऊपर मैन्यूरेट किया गया चॉकलेट से आप नहीं कह सकते ये क्रीम चॉकलेट है, ऐसे लगता है जैसे आप चॉकलेट खा रहे हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त सी चीज़ बनाई है इन्होंने। ओह माय गॉड, एक और बाइट लूँगा। मज़ा आ गया। फाइनली ओवरऑल दोनों चीज़ों का टेक्सचर बहुत ही डिफरेंट। बताइए मुझे कैसे लगे आपको कैट कैफे, इन्वायरमेंट और जैसा इन्होंने ट्रीट किया अंदर से कैट्स को, ज़बरदस्त चीज़ है। आपको एक नई चीज़ दिखाई आज मैंने, सिर्फ कॉफ़ी शॉप नहीं, यहाँ पे वो लोग आते हैं जो लोग कैट्स को प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, जिन्हें उनकी अहमियत का अंदाज़ा है। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।